लोगों पर जुल्म की कोई कमी नहीं आई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस मोदी सरकार को वो बेखौफ और बेखतर लगा है कश्मीरियों को मारने में। इसकी सरकार को या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी दुनिया के सामने सारे कानून तोड़ रहा है। क्या दहशत फैलाई है उसको कुछ पता नहीं चलता है। ये लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। इसकी सारी तफसीलात सबके सामने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों इसको नहीं देख रहे। तमाम मीडिया आंखें बंद कर बैठा है करके बैठा है। खुदा का गजब भी नाजिल इस वजह से आया है कोरोना इसकी शक्ल में, लेकिन इसका पता अभी तक नहीं चल रहा है। कश्मीर पर बात करना तो सब को आता है, जैसे हम भी कर रहे हैं। हमारे तो इख्तियार में नहीं है। इन लोगों के सामने खड़े होना, हम आवाज़ उठा सकते हैं और वो उठा रहे हैं। सारे लोग अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन इन्हें लेकिन इसका क्या फ़ायदा आखिरत के बारे में भी सोचें। इमरान खान साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं और अलवी साहब, आपका कोई किरदार नहीं है। तरीके इंसाफ में अपनी इस रविश पर ध्यान दें। आप सब लोग मिलकर इस मसले को हल कर दें, सब आपके पांव धोकर पिएंगे। मोदी को ललकार कर बताएं कि कश्मीर में जुल्म करना बंद करें। मोदी एक पागल इंसान है और वो अपना पागलपन सबको दिखा रहा है। आप लोग इस बात से डर रहे हैं कि वो पागल का आपको काटेगा और आप भी पागल हो जाएं। अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द करें और उसका सामना करें। देखना, सब आपके साथ होंगे। पाकिस्तान से वो बहुत डरता है और इसलिए वो कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहा, और वो समझता है कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान और ताकतवर हो जाएगा। इसको बताएं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। इस जिद के कुफर को ख़त्म करने के लिए वो इंसानियत का दुश्मन है, कातिल है, इज्जतों का कातिल है, इंसानियत का कातिल है, मासूमियत का कातिल है, माओ का, बहनों का, भाइयों का। उसका अंजाम बहुत बुरा होना है, लेकिन ये तभी होगा जब आप सब खड़े होंगे।